Micromax is a company that is really doing something insane that other companies are not doing. So जितनी भी कंपनी है फिलहाल 10 से 12 हज़ार में जिनके फ़ोन बेस्ट पे आते थे लाइक एम आई, रियल मी, ओप्पो, वीवो. ओप्पो वीवो तो हमेशा से ऊपर रहे हैं, लेकिन जिनकी मैं बात करने वाला हूँ वो हैं एम आई और रियल मी, जो कि फिलहाल पहले तो उसी में लीड करते थे. लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि जैसे जैसे लोगों का थोड़ी सी इनकम इंक्रीज़ हुई है, कोविड के इनकम ऐसी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई, लेकिन ये चीज़ मेरे को देखने को मिली है कि जो फ़ोन पहले 10 से 12 हज़ार के अंदर आते थे उनका प्राइस बहुत बढ़ चुका है, क्योंकि अब 15 से 20 की रेंज में पहुंच गए, और जो 20 हज़ार के फ़ोन आते थे वो ऑलरेडी 25 और 30 हज़ार पे खेल रहे हैं. तो मोस्ट ऑफ द कंपनी अब देख पा रही है कि अब ये इसका सबसे बड़ा मेन कारण वही है, चिप शॉर्टेज, जो कि हर फील्ड में ही दिक्कत दे रहा है टेक की बात करें तो. सो एज़ मोस्ट ऑफ द कंपनी अब 15 से 20 और 20 से 30 हज़ार के सेगमेंट में खेलना चाह रही हैं, तो माइक्रोमैक्स के लिए इससे बेस्ट टाइम है ही नहीं है कि वो इस सेगमेंट में खेले. देखो रियलमी के फ़ोन फिलहाल हमको भी पता है कैसे आ रहा है, इतने गंदे फ़ोन आ रहे हैं विद अ वेरी बैड स्पेक्स और वेरी बैड प्राइस. 11 हज़ार में भले ही उन्हें स्टोरेज ज़्यादा दे, लेकिन प्रोसेसर तो वही है ना जो 7 हज़ार के फ़ोन में आता है. सो देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन 7000 प्राइस बजट एंड 11000. स्टोरेज बढ़ा के तुम उस फ़ोन को अच्छा नहीं दिखा सकते, बिकॉज इट इज़ नॉट कैपेबल ऑफ दैट, क्या कहते हैं, स्टोरेज. स्टोरेज का क्या करोगे? तो ये बस थोड़ा सा सजेशन था जो कि माइक्रोमैक्स के लिए काम आ सकता है. लेकिन आज मैं इस टॉपिक पे मेनली बात नहीं करने वाला, मेनली बात जिस टॉपिक पर होने वाली है वो है माइक्रोमैक्स इन नोट 1 का डिस्प्ले. तो डिस्प्ले की अगर बात करूँ तो उससे पहले मेरे को कुछ और टर्म समझाने पड़ेंगे, तो उनकी बात करते हैं. तो सबसे पहला टर्म है डिस्प्ले ग्रेड्स और क्वालिटी. उसी पर मतलब डिस्प्ले ग्रेड्स होते हैं कुछ, जो कि प्राइस के हिसाब से वो ग्रेड्स डिफरेंशिएट करते हैं, और उन्हीं के वो डिफरेंशिएट होने से डिस्प्ले की क्वालिटी भी डिपेंड करती है, उन्हीं पर टोटली डिपेंड करती है. प्राइस से ग्रेड चेंज होते हैं और ग्रेड से क्वालिटी चेंज होती है. तो नाउ आई थिंक यू गॉट द पॉइंट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. सो अब मेन चीज़ की बात करते हैं. देखो मेरे साथ एक एक्सपीरियंस हुआ, जब मैंने फ़ोन लिया तो ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने माइक्रोमैक्स के फ़ोन नहीं देखे थे, और बहुत सारे लोग तो जानते भी नहीं थे कि माइक्रोमैक्स फ़ोन एग्जैक्ट एग्जिस्ट भी करते हैं. सो दैट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. तो मैंने उनको बताया कि ये फ़ोन एक्चुअली माइक्रोमैक्स जो पहले कंपनी आती थी उसकी ने निकाला, बस थोड़ा सा जैसे रियलमी पहले ओप्पो के सब ब्रांड की तरह आई थी, वैसे ये इन अभी करके जो आई है वो माइक्रोमैक्स का सब ब्रांड है. और ज़्यादातर कंपनी ऐसे ही करना करती है कि पहले सब ब्रांड निकालती है, अगर अच्छा चला तो उसे ही मेन कंपनी का नाम रख देती है, नहीं तो ऐसे ही चलता है, या फिर वो सेपरेट कर देते हैं. तो यहाँ पे बात हो रही है माइक्रोमैक्स इन की. तो वो फ़ोन इन नोट 1 ख़रीदा मैंने, अराउंड 10-12 दिन हुए थे. तो मेरा एक फ्रेंड अभी वो थोड़ा दूर रहता था उस टाइम पे, तो वो उस टाइम पे नहीं देख पाया, लेकिन जब वो आया तो मैंने उसको फ़ोन दिखाया, देख भाई मैंने अभी ये फ़ोन लिया है और देख के पता कैसा है, क्योंकि वो भी थोड़ा टेक गाय है मेरी तरह, तो उसको भी जानकारी है, थोड़ी सी नॉलेज तो है उसको. तो वो देखता है फ़ोन, उसके पास था कोई एक चाइनीज़ फ़ोन था जो कि सेम प्राइस में आता था, जैसे माइक्रोमैक्स इन नोट 1 आता था ना अराउंड, अब भी आता खैर 11, 11:30, 11 से 12 के प्राइस रहती है इन नोट 1 की, उस फ़ोन की भी सेम प्राइसिंग रहती थी, लेकिन वो एक चाइनीज़ ब्रांड की तरफ से था. तो यही डिफरेंस था मेन चीज़, तो यही डिफरेंस था. तो वो देखता है कि भाई डिस्प्ले उतना अच्छा नहीं है. मैं क्या ये क्या कह रहा है यार, मैं क्या फ़ोन तो इतना बढ़िया, मेरे को तो आज तक कोई डिस्प्ले, क्योंकि देखो मैंने भी इतने ज़्यादा फुल एचडी वाले फ़ोन चलाए नहीं, तो उसके पास वो बहुत टाइम से वो चाइनीज़ फ़ोन को चला रहा था, उसको पता था कि एक्चुअली फुल एचडी कैसी दिखती है. तो उसने अपना फ़ोन निकाला, उसमें देखा कि अरे दिस इज़ द प्रॉब्लम. अब मैं बताता हूँ वो क्या प्रॉब्लम है. एक्चुअली माइक्रोमैक्स इन नोट 1 डिस्प्ले कांट प्रोड्यूस रियल कलर्स दैट इज़ प्रेजेंट इन द UI. तो अब मेन जो UI होती है, देखो चाइनीज़ फ़ोन्स में MIUI, Realme UI ये आते हैं, लेकिन अगर बात करें इन नोट 1 की तो इसमें आता है प्योर एंड्रॉयड. इट्स नॉट कम्प्लीटली स्टॉक एंड्रॉयड बट इट्स प्योर एंड्रॉयड. और इसमें तो प्योर एंड्रॉयड भी नहीं आता, क्योंकि माइक्रोमैक्स अपनी 2-3 गैलरी वैलरी की एप्लीकेशन ऑलरेडी घुसेड के देता है, तो आई डोंट थिंक कि कोई ज़्यादा फ़र्क रह जाता है उन UIs में और माइक्रोमैक्स में. हाँ वो है कि एडवेड आना बिल्कुल कोई चांस ही नहीं है, इसमें एड आ ही नहीं सकते, लेकिन वो एक अलग केस है. तो उसने फ़ोन लिया, तो उसने YouTube खोला दोनों फ़ोन्स में, तो उसका फ़ोन YouTube पे मतलब जो डार्क मोड लगा था ऑलरेडी, तो YouTube पे उसका फ़ोन ज़्यादा डीप ब्लैक प्रोड्यूस कर रहा था, और मैंने अपने फ़ोन में देखा वो थोड़ा सा ग्रेइश टिंट था, वो कम्प्लीटली ब्लैक नहीं था. और इसमें देखो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्प्ले उतना ज़्यादा ब्लैक प्रोड्यूस करती भी नहीं है, सच में नहीं करती. आप खुद कंपेयर कर सकते हो, अगर आपके पास कोई भी माइक्रोमैक्स का फ़ोन है, इन नोट 1 या N1, ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये दोनों फ़ोन बिल्कुल सेम है, बस एक वाइड एंगल कैमरा नहीं और थोड़ा सा डिस्प्ले चेंज है. इट्स लाइक
जैसे कि पहले ओप्पो के फ़ोन्स आते थे और फिर रियलमी उनको रीब्रांड करके निकाल देता था, इट्स लाइक सेम, वो सेम कंपनी है, यहाँ तो नाम भी चेंज नहीं हो रहा, बस N1 और N Note 1 सेम नाम चेंज करके, थोड़ा सा नाम चेंज करके बस नोट लगा दिया और वाइड एंगल कैमरा निकाल दिया। सो एज इट इज़ नॉट प्रोड्यूसिंग रियल कलर्स। उसके साथ एक प्रॉब्लम और थी कि फ़ोन का जो डिस्प्ले था वो थोड़ा सा ओवर सेचुरेटेड था। अब ये ऐसा कुछ नहीं था कि उसके ऊपर नाइट शील्ड लगा था या कुछ ऐसा, वो मैं सब ऑलरेडी चेक कर चुका था, लेकिन ऐसा जब मैंने दोनों फ़ोन्स में वीडियो चलाई तो इसके कलर्स थोड़े ज़्यादा अच्छे फील हो रहे थे कंपेयर टू माइक्रोमैक्स N Note 1। अब पता नहीं क्या दिक्कत है, देखो मेरे को तो फ़ोन 8.5 में मिला था, बहुत सारे लोग मेरे को कहते हैं कि तूने फ़ोन वापस क्यों नहीं कर दिया अगर तेरे को पसंद नहीं आ रहा तो। देखो सही बताओ, फ़ोन मेरे को जिस प्राइस पे मिला है उस हिसाब से फ़ोन में कोई गलती नहीं है, लेकिन बुरा उन लोगों के लिए लगता है जिन्होंने फ़ोन इतने महंगे प्राइस में लिया, मतलब लाइक 11,000, 11,000 इज़ अ रियली बिग प्राइस फॉर मी, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा है सच में, फ़िलहाल बहुत ज़्यादा है। अगर 11,000 मेरे पास होते तो शायद मैं M2 Pro लेता, और M2 Pro या नहीं तो कुछ शायद और भी, रियलमी पे नहीं जाता इतना मेरे को पता है, मैं M2 Pro ही लेता मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि वो फ़ोन मैंने चलाया भी और मेरे को अंदाज़ा पता है कि M2 Pro एग्जैक्टली क्या चीज़ है। सो ये चीज़ ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने फील करी, आप ऐसा आप सेम चीज़ खुद भी फील कर सकते हो, आपको बस चाहिए एक माइक्रोमैक्स का N Note 1 या N1, आप उस फ़ोन को लो, किसी दूसरे फ़ोन को लो जो कि उसी बजट में आता हो या थोड़ा सा ऊपर नीचे हो, बस उसमें एक Full HD डिस्प्ले होनी चाहिए। आप दोनों की डिस्प्ले कंपेयर करके देखना, देर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस, और वो इस वजह से वही जो क्वालिटी ग्रेड, मैंने वो प्राइस की वजह से ग्रेड चेंज होता है ना डिस्प्ले का, वो इसी वजह से है, यहाँ पे ग्रेड बहुत लो क्वालिटी का है, इस वजह से वो इतने अच्छे प्रोड्यूस ही नहीं कर सकता। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, आई होप यू लाइक द वीडियो एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा, सिर्फ 5% लोगों ने सिर्फ और जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा, सिर्फ 5% लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा, 95% आप क्या कर रहे हो, ताकि सब्सक्राइब करो ना। तो ये वीडियो सिर्फ इतनी, अगर वीडियो को पसंद आई तो लाइक मारो, नहीं पसंद डिसलाइक मारो, बाकी मिलते हैं स्टूडेंट, तब तक के लिए हेम को सनी।